टॉपिक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और इस वक्त हम हैं जिया धर्मेंद्र साहब के घर में। जिया, मेरे लिए बड़ी एक क्या कहूँ खुशी की बात है या इज्जत अफजाई की बात है, अगर अंग्रेजी में कहें इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी दैट आई एम एक्चुअली सिटिंग विद हर इन धर्मेंद्र जी हाउस अलोंग विद द मैन हु गेव हिम हिज फर्स्ट ब्रेक इन फिल्म्स अर्जुन हिंगोरानी, बोथ ऑफ देम राइट हियर विद अस। धर्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया हमें, और इंद्रानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, मैं जब भी देखता हूँ आपको इंटरव्यू करते हो तो लगता है कुछ मेरी झलक आती है आपने, शायद आप ऐसा लगता है कि बहुत ही नेक इंसान है आप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शक्ल से पहचान जाते हैं। कमाल है साहब, कमाल है। इंद्रानी साहब, वी आर हियर बिकॉज ऑफ दिस बुक, राइट? यू रिटन दिस बुक, राइट? And it's taken you how many years to write this book? 150 years, right? I'll tell you one thing first. I consider myself to be a zero, a non-entity. This book on my own, I could not have written. I don't know what prompted me to write this book. And though it is written by my hand and my pen, the power to my pen has been given by some great power above. How to be happy and realize your dreams. And you've known each other for the last 50 years. 50 साल हो गए आप exactly, एक दूसरे को जानते हुए। बिल्कुल, 50 साल सर। शायद पिछले जन्म में भी मुरली में लिखे हुए। You met each other in the last century, sir? Yeah, पिछले exactly last century. To me, I still feel he's my darling elder brother. और आप मिले जब आप यहाँ पर आए वो वक्त था और ये अर्जुन आया करते थे, एक लड़की थी वन ऑफ द कंटेस्टेंट निम्मा, उसको स्कॉट करते थे, पता नहीं डरते थे धर्मेंद्र के साथ ना चली जाए, नाइस जेंटल पर्सन, तो थोड़ा ऊंचा लाउड बोलते थे और मुझे बोलते थे अगर तुम्हें विमलदा या गुरुदत्त ने नहीं लिया तो मैं तुम्हें लूंगा अपनी पिक्चर में। जस्ट ऑन द फर्स्ट टाइम एनी मैट मी, पहली साइट में मैंने कहा यार ये तो कमाल है, ये मुझे ले लेगा तो अच्छा है, लेकिन विमलदा गुरुदत्त तो बहुत बड़े हैं, अब इसने तो कुछ बनाया नहीं, इन्होंने अबाना बनाई थी, अब हिंदी और सिंधी पिक्चर, तो मैंने चलो ठीक है एक जगह तो फिट हुई, तो इस तरह से कुछ सिलसिला शुरू हुआ। And he actually gave you the break. He gave me the break. बितरे हम बितरे। Yeah. Rajiv, actually, it's everybody. It's a human nature to be loved, to be liked, to be admired. And to me, I think cinema is only one. लोग इसे profession कहते हैं, I call it a beloved. और एक यही एक ऐसा जरिया जहां आप लोगों के दिलों में बस सकते हैं। तो मुझे उस वक्त ना तो धन दौलत की इच्छा थी, ये था कि एक दफ़ा मालिक कैमरे के सामने मैं आ जाऊँ एंड आई शुड बी लव्ड एंड लाइक बाय दिलीप कुमार, देवानंद राजकुमार। क्या बात है सर, क्या बात है, एंड द कैमरा लव्ड यू, सबसे बड़ी बात ये है, मोर देन एनीथिंग एल्स, आई एम लकी दैट कैमरा स्टार्टेड लविंग मी। इस मामले में आपको किस्सा सुनाऊंगा कि इसका हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब हमारे परमिशन के बगैर ये कहीं भी काम नहीं कर सकता है, प्लस अगर बाहर काम करेगा तो 50% हमको देना पड़ेगा जो भी कमाएगा। 50 तो रमेश सहगल के साथ इसको परमिशन नहीं दे रहा था मेरा प्रोड्यूसर बिहारी, कुछ भी करके मैं उसको मनाया
और उसको परमिशन मिल गई और ये आया खुशी खुशी मेरे घर पे। इंटरेस्टिंग बात है, मेरे घर पे खुशी खुशी आया, बोले अर्जुन मैं यार रमेश सहगल के साथ साइन करके आया। तो रमेश सहगल वाला मच बिगर डायरेक्टर री शहीद और ये क्या क्या उसने पिक्चर बनाई, इसके शहीद वो हमने इसके आगे मैं बयान करता हूं दिलीप कुमार साहब की शहीद, दिलीप कुमार क्या शहीद जिसमें चंद्रमोहन दिलीप कुमार थे जी। या ग्रेट फिल्म, ग्रेट डायरेक्टर जी। उसके बाद क्या हुआ, 50% उसके बाद मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं कि साहब आप, क्योंकि बात खत्म हो जब तक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एक डेफिनेट नहीं होता ना कि मैं काम कर रहा हूं पिक्चर में, वो डिले किए जा रहे थे। तो रीज़न वहाँ भी यही था, पैसे का ही, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही कि आई विल पे 60% टू हिम एंड आई विल नॉट वर्क आउटसाइड विदाउट हिज परमिशन। सो बीइंग ए जट, आई डोंट नो, आई गॉट द गट्स, आई सेड यार दिस इज इलीगल बट माई पैशंस आर सो मच टू बी इन फिल्म, आई सिंपली साइन दैट ऑल्सो। मतलब 50% आपने इधर दे दिया और 60% आपने उधर दे दिया। मैं मुझे नहीं मिले ना सी पिक्चरें तो शुरू हो लेकिन अंदर से मुझे एक दहशत, एक डर था कि अगर इनको पता चल गया मैं वहाँ भी एक्सक्लूसिव हूँ, वहाँ भी एक्सक्लूसिव हूँ, कल फिल्म शुरू होने से पहले कहीं मैं अंदर ही ना चला जाऊँ, बट मैं चलता रहा। लेकिन ये लेकिन इस किस्से का बयान आपने किताब में भी किया है, इसका बयान आपने किताब में भी किया है। मगर ये जब मेरे पास, मेरे से सीधा दिल खोल के बात करता था, वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट दैट टाइम। नहीं, मैं हर किसी से दिल खोल के ही बात करता हूँ। नहीं, मगर उस वक्त दोनों रस्ते के आदमी थे, चने खाते थे, पकौड़े खाते थे, तो मेरे को सब बता दिया इसने। तो मैंने कहा यार तू पागल है, तू 50% हमको देगा, 50% उसको देगा, तू क्या खाएगा, रहेगा क्या तेरे पास। बोले आई स्टिल रिमेंबर हिज रिप्लाई, बोले अर्जुन मेरे को तो एक्टर बनना है। दिस लुक एट दिस लगन इवन एट दैट टाइम। क्या बात है, क्या बात, दिस वाज एक्चुअली, मतलब इतनी देर पुरानी बात हो गई। इंगराज साहब, मैं चाहूंगा इसमें आप ही जरा बताएं कि 1960 से लेकर अभी तक, अभी हम 2007 में चल रहे हैं जी जनाब, 47 साल हो गए। इन 47 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनलिज्म आया है, जो बदलाव आया है, उससे आप खुश हैं कि, क्योंकि आपके दोनों बेटे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो भी चल रहे हैं। खुश तो जहाँ नाम लफ्ज़ फिल्म आ जाता है, लफ्ज़ फिल्म से मोहब्बत है, लेकिन ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं। हमारे वक्त में जो बात थी, कुछ तफसील से बयान करते थे, कुछ उसकी गहराई भी हुआ करती थी, शायद लोगों को वो चीज़ें पसंद थी, प्रेडिक्टेबल चीज़ें भी उनको पसंद आती थी। अब क्या हो गया है कि यंग जनरेशन इज़ आई थिंक, या तो इनकी IQ बहुत स्ट्रांग हो गया है, या कंप्यूटर ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है, लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, और ये बात को यूँ समझ लेते हैं, तो कोई प्रडिक्टेबल चीज़ इनको पसंद नहीं आती। ये तो मुझे भी पसंद नहीं आती अब तो, पहले मैं मुझे भी मालूम था कि ये सिचुएशन है, यहाँ गाना आएगा, ये आएगा, कॉमेडी होगी, वो चल जाता था वो सब। अब एक तरह से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख जो मुझे इस वक्त है, हमारा जो तहजीब व तमद्दन है, हमारा जो कल्चर है, मैं समझता था दुनिया में इससे रिच कल्चर कहीं नहीं है साहब। वो लिहाज, बहू बेटी, माँ बहन सबका एक झुककर नमस्कार सलाम करके एक दूसरे से बात करना, अभी क्या हो गया कि दे डोंट बॉदर अबाउट सच थिंग। और हमारे वक्त में हीरोइनें पूरा फुल यहाँ तक का ब्लाउज पहनती थी, तब भी लगता था यार वो प्रीटी देयर। अभी कुछ ये अब क्या लोग कहते हैं जी वेस्टर्न का असर हो गया, मेरे ख्याल से वेस्टर्न स्टिल दे आर सिविलाइज्ड बेट देन सम ऑफ आवर पीपल। खिल मिल सितारों का आंगन होगा, रिम जिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। धर्मेंद्र साहब, एक कंप्लेंट है सभी लोगों की आपके प्रति, बहुत बड़ी शिकायत है, वो शिकायत ये है कि आप आजकल इतना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप फिल्मों में क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब कौन कौन कम वक्त है जो कैमरा फेस करना नहीं चाहता। ये एक दौर आता है इंसान की जिंदगी में, 94 तक आई वॉज बिजी, समटाइम 2 shift 3 shift 1 shift ऐसे चलता रहा, फिर सडनली ट्रेंड चेंज हो गया,
यंगस्टर आ गए, कहानियों के में बदलाव आ गया, और उस ढंग में मैं अपना खुद को मैं भी नहीं एडजस्ट कर पाया, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मुझे एडजस्ट नहीं कर पाए, तो एक खलास आ गया है मेरी ज़िंदगी में। बट आई वॉज सर्चिंग फॉर सम गुड स्क्रिप्ट, फिर मैं सोच रहा था कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिसमें मैं, सनी, बॉबी तीनों आ सकें, तो उसमें बहुत देर लगी काफ़ी, लेकिन लकीली भी अभी हमें एक ऐसा स्क्रिप्ट मिला जिसका नाम फिल्म का अपने है। जी, आपको फिल्म दिखाऊंगा ज़रूर, और मुझे यकीन है जो ना मेरा दिल कह देता जब कोई अच्छी चीज़ लगती, जो नहीं लगती तो भी एक आत्मा से आवाज़ आ जाती है कि तीनों में लगेगा कि हु इज़ बेटर एंड हु इज़ बैड, तीनों को बराबर का रोल हमें चाहिए था कि तीनों लगे कि हाँ ये देर गुड, एंड इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। एंड हु इज़ द डायरेक्टर सर? डायरेक्टर तो अनिल शर्मा है, नज़र जैसे ये है, अनिल शर्मा से भी मैं जुड़ा हूँ 86 से, हुकूमत पहली फिल्म बनाई, कई फिल्में, फिर लैलाने जंग, फिर अभी गदर सनी के साथ बनी, तो बट उसके साथ क्या है कि जैसे घर की तरह लड़ भी लेते हैं, झगड़ा हो जाता है तो बना लेते हैं, मुझे उस तरह से मुझे क्या आई, जिन लोगों में ईगो है ना, ईगो ऐसी बीमारी है साहब, सामने इट्स सो कंटेजियस कि अगर आपको है तो मुझे होगी होगी, इफ़ आई एम नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फाइट विद यू, आई लाड भी होगा, प्यार भी कर लेंगे, फिर मना लेंगे, लेकिन ईगो क्या है वो दूर करती जाती है, और आजकल ईगो, आज नहीं पहले से भी लोगों में थी, आई हेट ईगो ना, मैं मेरे अंदर खुद मैं रखता हूँ और ना मुझसे बर्दाश्त होती है, मैं इसीलिए कहता हूँ आपको जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये कोई धर्मेंद्र जैसा, आई फील सो अफेक्शनेट, तो मुझे आज इतना खुशी हुई कि मैं आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है हमारे, आपसे बातचीत हो रही, तो आई थिंक मैं दुआ करता हूँ ये ईगो लोगों से ख़त्म हो जाए। लेकिन आपकी लाइफ जो है असल में चेंज हुई एक तरीके से अगर देखा जाए, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज उसमें आया फूल और पत्थर के बाद। हाँ, फूल और पत्थर के बाद जो सबसे बड़ी हिट हुई, तो ये नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, दैट्स राइट, एंड आफ्टर दैट यू बिकेम अ ह्यूज ह्यूज स्टार सो टू स्पीक, सालेवाल से आप यहाँ पर आए। तो एक चीज का मुझे फख्र है कि उस वक्त भी फूल और पत्थर के साथ एक फिल्म थी देवर, एक अनुपमा, और ये तीनों साथ रिलीज हुई, अनुपमा ऋषिकेश पिक्चर, और देवर इट वॉज ए रीमेक फ्रॉम ए बंगला पिक्चर, अगेन ए हिट, तो उनमें टोटली डिफरेंट कैरेक्टर था, फूल और पत्थर में डिफरेंट था, दिस वॉज द, मैं कभी कभी मैं अपने आप को वो तो नहीं कहता कि मैं ये हूँ बहुत बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन मुकद्दर ने कुछ ऐसे कंप्यूटर फिट किए हैं कि हर तरह से वो 3 दिन फिल्में भी साथ साथ रिलीज होती तो हिट हो जाती थी। लेकिन अनुपमा में माफी जी का मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और हम हाँ अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि धर्म जी से कभी और उनकी पूरी फिल्मोग्राफी के बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन I must talk about Anupama and one other film of yours, which was also a brilliant film, absolutely brilliant film, जिसमें आपकी performance, माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त रही कहने की हद नहीं, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म इतनी हिट नहीं हुई। एक तो अनुपमा जिसमें शर्मिला टैगोर जी आपके साथ थी, और एक और फिल्म थी सत्यकाम, उन्होंने खुद बनाई थी। जी, लेकिन जो अनुपमा थी उसमें वो गाना जो है या दिल की सुनो दुनिया वाले, मतलब that kind of performance, I think you needed a director like Rishikesh. Rishikesh is the one of the best director I have worked with. Bimalda, ye Bengalis, abhi Asit Sen, many kind of guys, they are all very great director. Meri hasrati Mehboob sahab ke saath bhi kaam karu, magar koi aisa mauka nahi laga. He is the greatest director bhi hai. Aur mera zyada बंगालीज ने कुछ मुझे ज़्यादा संभाला, और मैं उनके साथ खुश भी बहुत रहा। अभी बिमलदा की बंदनी, अभी भी जितना भी मैं हूँ, क्वाइट इम्प्रेसिव, मुझे खुद लगता है यार मैं ऐसे, मुझे सब कहें अंडर प्ले कर किया तुमने यार बहुत, मैं सोच यार मैं किसी स्कूल में नहीं गया ना, मैं एक्टिंग सीखी, तो अंडर प्ले मेरे पहले समझ में नहीं आया मैंने ये टेक्निकल वर्ड, ये अंडरप्ले क्या होता है, मैंने कहा
और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सुनाऊँ, हमारे एक दोस्त भगवान सिंह इज नाउ मेरे साथ आया था बॉम्बे से, हमारी फिल्म थी जीवन मृत्यु जी, मुझे कुछ लगा वो ड्राई है चलेगी नहीं यार, तो हम बैठे ऐसे बात कर रहे थे, अभी भट्टाचार्य थे, मैं दादा ये अभी तक मैं मेरा प्यार था वो मेरे एक दोस्त, ये कैसे चल गई ये मुझे तो डाउट था, बोले नहीं धर्म इसके में अंडर करंट बहुत था, तो लोगों को छू गई, तो मेरा दोस्त बैठा था मेरे जैसे ही, बोलते ये अंडर करंट क्या की होता है भाई, मैं पहले मैं उसको समझाने लगा, फिर मैं सोचा इसको समझाऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, मैं कह रहने दे दूँ मैं क्यों क्या क्या तकलीफ है, हर फिल्म में थोड़ा डलवाया करो उसने कहा अंडर करंट डलवाओ तो फिल्म चलती है लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें तुम्हें कहे तो अब है जाने अदा हम क्या करें। सत्यकाम को देखें, अनुपमा को देखें, और उसके बाद आकर के और आपका ममता में भी एक छोटा सा हाँ दर्जना का सत्य काम का तो नहीं हूँ कि मेरे ख्याल से या तो बिफोर टाइम थी पिक्चर, अगर आज भी मैं एमपी हूँ जी अभी का नहीं से हाँ, और अगर सब एमपी उसको देखें मेरे ख्याल में एमपी बहुत कुछ कर सकते हैं, सत्य काम इज़ नॉट फॉर एमपी, इट्स फॉर एवरी इंडियन, अगर हम उस ढंग से जिंदगी जिए एक ऑनेस्ट बनकर तो लगता नहीं कि ये भारत देश हमारा, लेकिन उसमें जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑनेस्टी आपने दिखाई है, मतलब दैट मैन इज कंप्लीटली ऑनेस्ट इवन एट द रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, या ही रिटेन्स हिज ऑनेस्टी, ही डिड व्हाट ही रिटेन्स हिज ऑनेस्टी, मतलब मैं बिल्कुल टोटल ऑनेस्ट, टोटल ऑनेस्ट, मतलब देयर इज नो कुर्सी भी ऑफिस की यूज नहीं करता था, घड़ी देखा तो इतना टाइम हो गया तो उसके बाद ही उठता था काम है कि नहीं, वाज एक्स्ट्रा ऑनेस्ट जी, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब चलिए उसके पीछे क्या फलसफा था वो इमरानी साहब बताएंगे, लेकिन वहां से आकर के आप अगर शोले में आ जाए जो आपकी परफॉर्मेंस है जो मतलब कॉन्ट्रास्ट और या चुपके चुपके लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इसके बारे में पहले भी जिक्र आया है, पता नहीं आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, कि आपको एज अ स्टार सबने रिकॉग्नाइज किया, जितने डायरेक्टर हैं जितने प्योरिस्ट हैं सिनेमा के सबने आपकी परफॉर्मेंसेस रिकॉग्नाइज की, बट एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर कभी कभी दिल में लगता नहीं कि यार मुझे कुछ और भी मिलना चाहिए था? हाँ ये कसक तो हमेशा रहती है, मेरे ख्याल से ये कसक ही है जो आदमी को कुछ और करने के लिए उकसाती रहती है, कि एक्चुअली ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर जब मिलते हैं इंसान को तो एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन प्ले स्टोरीज ऐसी हमें बहुत कम मिलती हैं जिसमें वेरी ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर मिल जाए, अभी सत्यकाम इज एक मिनिस्टर कम्स टू हिम टेल्स हिम के बेटे तुम जिस रास्ते पर चलते हो उससे हटना मत, बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, तो उस ढंग के अगर किरदार मिलते जाएँ तो मेरे ख्याल से एक्टर बाजी मार जाता है, भूता खेल होता है स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट और सिचुएशन का, सही वक्त पे सही सिचुएशन पे हम सही डायलॉग बोल दें तो ताली ले जाते हैं। आपने माला सिन्हा जी के साथ काम किया, नूतन जी के साथ काम किया, साधना जी के साथ काम किया, वहीदा जी, या और ग्रेट एक्टर्स, इवन तनुजा वाज वेरी गुड, वेरी नेचुरल एक्ट्रेस लाइक हर डॉटर, काजोल जी, काजोल, but your greatest pairing was of course with Himaji, that person, that is the, I think we made a great pair on this, you still make a great pair, it is we did 15 jubilees, golden jubilees, 15, I didn't know that, yeah. I didn't know that, yeah. 15 golden jubilees, nearly 15, I thought there were 15, from whatever I read I thought there were about 11, No. 15. कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, विद आशा पारेख की गोल्डन जूबलीज, एंड आर यू एंड हिमाजी प्लानिंग टू कम बैक विद अनदर फिल्म, विद just searching some good script, if we get some good script we'll definitely work, you making a comeback Himaji ke sath, ha hai wo main thoda sa bhi, I don't know why, something is a shyness or whatever something, but
When we get some good skill, we'll do work together. Perhaps this year, next year. Then. Let's hope as soon as possible. Right, and remember, you'll be the first to know. We'll get him to talk about that at some point in time. There was some script just recently, but I don't want to say. I don't want to criticize any script or anything. I have nobody. But we couldn't get good script. लेकिन इतना जरूर है कि ढूंढना जरूर रहेंगे वो अच्छा स्क्रिप्ट में तो हिमा जी के साथ आप कमबैक जरूर करेंगे जरूर क्या बात है व्हाट अ ड्रीम देन व्हेन यू लुक एट हर नाउ यू स्टिल लुक एट द ड्रीम गर्ल यू स्टिल आई थिंक शी इज द वे शी लुक्स यू हियर इट फ्रॉम अदर्स देन मी किसी शायर की गजल ढेंगा किसी झील का कमल ढेंगा किसी शायर की गजल ढेंगा किसी झील का कमल ढेंगा कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल ढेंगा She has been quoted as saying, and उनका तो यही तेरे पास है उन्होंने कहा है द रीजन वाई शी लव्स यू इज बिकॉज ही लुक्स एट मी एग्जैक्टली द सेम वे एज ही डिड द फर्स्ट टाइम वी मेट दैट्स व्हाट शी सेज इज दैट ट्रू इट विल बी विद यू इवन बट द वे आई एम मीटिंग यू आई विल बी सेम ये फितरत है फितरत में मोहब्बत है और ये भगवान की बहुत बड़ी बख्शिश है और फितरत बदले नहीं बदले सर कुछ भी बदल जाए फितरत नहीं बदली फितरत में मोहब्बत टूट टूट के भरी हुई है ये कहाँ से बदलू इसको आपको पहले भी कहीं देखा है आप में यारू बरू पर देखा है और हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में तुम हंसी मैं जवां तुम मैं जवां अपनी खुद की जितनी फिल्में हैं आपकी आपकी खुद की कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसमें आप कहेंगे यार ये अपनी परफॉर्मेंस और पूरी फिल्म सब फिट बैठ गए नहीं ऐसे तो आज के दौर के लोगों ने देखी नहीं होगी मेरी फिल्म थी प्रतिज्ञा वो ट्रक ड्राइवर को थानेदार बन जाता है उसको रिवेंज लेना बाप का लेकिन उसमें बीइंग ए sad pain with the pain the man is full of pain but comedy situation aisi automatic situation aati thi to usme wo kuch ek to truck driver fir dharmender aur fir kuch jeans mein kuch sab mil mila ke again the director was dulal guha a bengali so you have this great connection with bengalis also bengali it was really I'm lucky that I work with many bengali directors right because the came over here to Mumbai to first act in a film by Bimal Roy. अच्छा बिमल रॉय इतने शांत इतने सिंपल तो मेरे वो रेस्टोरेंट देख के निकले तो मैं जैसे मुंह देख रहा हूँ यार कुछ रिएक्शन हो बहुत चेस्टरफील्ड पीते थे तो मैं उनके असिस्टेंट को बोलता था असिस्टेंट उनसे वो तो कुछ नहीं बोलते थे वो ज़्यादा भाव खाते थे भैया कैसा लगा इनको मेरा काम वाम ये बोलते नहीं पता नहीं अच्छा लगा हमें तो अच्छा लगा मैं उन सबसे पूछता था कि यार कैसा लग रहा है आपको मेरे रेस्टोरेंट देखने के बाद एक होता ना कि हर एक्टर को मैं ठीक भी लग रहा हूँ कि नहीं तो अंदर से आवाज़ आई धर्मेंदु तो मुझे धर्मेंदु बुलाते थे लेकिन जी तो बाकी असिस्टेंट कहें यार दादा इनका नाम धर्मेंद्र है तो बोले धर्मेंदु तो बुलाता हूँ तो क्या है तो मुझे अंदर दादा ने बुलाया मैं डर गया मैंने यार ये तो रेस्टोरेंट अच्छे नहीं होंगे कहीं छुट्टी ना हो जाए तो टिफिन कैरियर उठाया तुम्हारी बोधी ने माछी बने माछ मछली बनाई है तुम्हारे लिए भेजी है तो मैं समझा नहीं खुश है यार ऐसे दौर से गुजरते आए हैं वो लोग बहुत याद आते हैं मुझे आई टेल यू आई एम मिसिंग अभी ऐसे सब स्टूडियो डिमोलिश हो रहे हैं अभी नटराज के पास से गुजरता हूँ उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है पता नहीं वो मेरे लिए मंदिर थे वो मेरी ये जन्नत थी इस जन्नत के ये सारे बड़े बड़े खूबसूरत जो जगह थी खत्म हो गई अभी भी हमने आपको देखा था दिलीप साहब के घर में जब दिलीप साहब का जन्मदिन और आप यहाँ पर आए थे दिलीप कुमार बनने के लिए दिलीप साहब का मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन हूँ और वो मुझे अपना बहुत प्यारा भाई समझते हैं
मैं इतना लकी हूँ कि उनके साथ जितनी भी घड़ियाँ जब भी गुजरी हैं ऐसे लगा है कि सगे भाई बहन भी क्या होंगे। उनके बर्थडे भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहुँचूँ, अगर बॉम्बे में होता तो ज़रूर जाता हूँ। उनसे गले लग के कुछ लगता है कि कोई कुव्वत आ जाती है, कुछ प्यार की शक्ति से आ जाती है। मैं कभी सोचा नहीं था कि हमारे ये लोगों की एज भी हो जाएगी। मैं जब फिल्में देखता था इनकी तो ऐसे मेरे दिमाग में ये था ये कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, दे विल बी ऑलवेज यंग, ऐसे ही रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी यंग जस्ट लाइक यू। एज तो आती है किसी पे, बट आई वॉन्ट टू सी दैम अगेन बैक टू सेम एंड वही फिर से। The only person who is not aged is Mr. Devanand. Dev sir, isn't that right? He's still there and he's still dancing around with 18-year-olds. Dev sir, isn't that right? Yeah, I mean, he's an amazing man. He's a darling and he's an emotional person. उन्होंने ज़्यादा मुझे उनका एक किस्सा भी याद आ गया। जब मेरे स्क्रीन टेस्ट के लिए मैं आया था तो गुरुदत्त जी ने मेरा वो टेस्ट लेना था, तो ही केम, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स वर स्टैंडिंग, ही सिंपली केम एंड पुट हिज हैंड अराउंड मी, हे कम ऑन हैव लंच विद मी। देव साहब कम ऑन कम ऑन, यू टफी, यू विल मेक इट, यू लुक गुड। तो मैं गया, उन्होंने मुझे खाना तो उन्होंने पानी पीने लगा तो बोले ठहरो ठहरो ये नहीं। उन्होंने पहली दफ़ा मैंने आइस बॉक्स देखा था, उस आइस बॉक्स में पानी निकाला मुझे दिया, यू विल मेक इट। जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा मुझे तो लगा यार पता नहीं, वो सोया ही नहीं मैं रात को। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब इतने लोगों के जब जो मेरी फ़ोटो सेलेक्ट की फिल्म फेयर में, तो नरगिस जी उन्होंने कहा धर्मेंद्र तेरी तस्वीरें हमने सेलेक्ट की थी, दत्त साहब एंड नरगिस उन्होंने फोटो मेरी तरफ। तो मैं सोचता हूँ हर एक की जबान से कुछ ऐसा उसी के मालिक की। आई मिस दत्त साहब अ लॉट, ही वॉज अ डार्लिंग ब्रदर, वेरी डार्लिंग। मैं एक दो इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो गया था तो आई वेंट एंड स्लेप्ट विद हिम होम नाइट इन गोवा। ही जस्ट मेड मी स्लीप लाइक अ बेबी। यू हैड एन इमोशनल ब्रेकडाउन? आई हैड, इट हैपेंस बिकॉज जज्बाती हूँ ना आदमी, टफ आदमी का दिल भी सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं होता दिल तो जज्बाती होना भी मेरे ख्याल से एक। भिखमणी साहब आप इनको जानते हैं इतने बरसों से, हाँ जी आप इनको जानते हैं इतने बरसों से, इतने बरस हो गए, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इसके लिए मैं ये कहूँगा, दिल से बोलता हूँ, ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट इन माय लाइफ। फिल्म इंडस्ट्री में चलती रहें तो बात और होती है, जब फ्लॉप होती हैं तो आदमी टूट जाता है। हमारी भी पिछली 5-6 ऐसी धड़ धड़ गई हैं, चार 3-4। तो अभी सनी ऐसे बैठा रहता, मैं क्यों ऐसे क्यों, तो एक दिन इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा इसको मैं बताऊंगा यार हम ऐसे कुछ करें, तो उसको मैं देखा वो वरीड है। तो आजकल मैं कुछ उर्दू शायरी भी करता हूँ, तो अचानक उसके जाने के बाद मैंने कलम भाई लिखा है कि देख कर फिक्र हज़ार आँखों में उनकी, हिम्मत ना हुई हाले दिल सुनाने की, बस इतना पूछ कर रह गए कैसे हो, अच्छे हो, तबीयत कैसी है आपकी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार देख कर फिक्र हजार आंखों में उनकी, देख कर फिक्र हजार आंखों में उनकी, हिम्मत ना हुई हाले दिल सुनाने की, हिम्मत ना हुई हाले दिल सुनाने की, क्या बात, बस इतना पूछ कर रह गए कैसे हो, अच्छे हो, तबीयत कैसी है आपकी, तबीयत कैसी है आपकी, क्या बात है, वाह तो क्या बात, दिल से निकलता है इसके, क्या बात है। तो सर मतलब वो कलेक्शन कब पब्लिश होने वाली है? अब वो बस तैयार कर रहा हूँ अभी, जल्दी जल्दी मेरा तो बहुत बड़ी तमन्ना, मैं उसको कभी कभी विजुलाइज करके के पिक्चराइज भी करूँगा, इस ढंग से भी लिख रहा हूँ। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, बड़े इतने सेंसिटिव आदमी आप हैं और मुझे आपके कई किस्से याद हैं, कभी और उनका जिक्र करेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, यहाँ तक कि जब किसी जर्नलिस्ट को आपने मारा भी, वो बेचारी आखिर कब जब उनका आखिरी दम उनका निकल रहा था, जी हाँ, तो एक आखिर में उन्होंने मेरे लिए लिखा द डेली में, व्हेन शी वाज पैरालाइज्ड शी हैड नोबडी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, फाइनली शी रोट मी, वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट देवी, बट यू आर सच अ सेंसिटिव मैन, व्हाई डिड यू एंटर पॉलिटिक्स? मतलब आदमी अगर
एमपी बन जाता है उसके ऊपर तो हमले दर हमले होते हैं, और आपके ऊपर भी हुए, ये आपको पता नहीं है? यहाँ फिर जज्बात ने मुझे हरा दिया एक्चुअली। अभी मेरे बुजुर्ग जैसे लोग मुझे प्यार से कहेंगे धर्म तुम आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आ जाओ, तो मैं ना नहीं कर सका सर। हालांकि कितने घुटन के साथ मैंने हाँ की, मुझे मालूम है, नहीं नहीं बट स्टिल जी, नाउ आई एम हियर, आई एम एन इंडियन फर्स्ट सर, देन आई से आई बिलोंग टू दिस पार्टी एंड दैट पार्टी। आई थिंक इफ ऑल द पार्टीज पीपल दे थिंक दे आर द रियल इंडियन, दे लव इंडिया, इंडिया इज आवर मदरलैंड, जिस दिन ये फीलिंग आ जाए कि हम उन्हें अपनी माँ के लिए ये करना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हिंदुस्तान जैसा कंट्री नहीं होगा सर। और एक एमपी क्या कुछ नहीं कर सकता है? और वह आते मुझे पता चला ये ट्रांसफर्स क्यों करवाते हैं फटफट, फिर सोचा वो ट्रांसफर के अंदर भी कुछ बात होगी। एनी वे इट्स ए वेरी डीप डर्ट विच आई डोंट वॉन्ट टू डिग इट, एंड आई प्रे के हर हिंदुस्तानी इसको जिस दिन अपनी माँ समझेगा ना भारत देश को। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रहे। दोबारा खड़े होंगे चुनाव में क्या? इसका कुछ नहीं कह सकते, आई ना चाहते हुए बहुत सी चीजें आप उनमें गुजरना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जो हम कभी सोचा नहीं, लेकिन उसमें से गुजर जाते हैं, वही डेस्टिनी है। बिकॉज यू एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू। नहीं, आई विल, मैं बड़ी बड़ी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ जी जी जी, बहुत जी, और वो व्यक्तिगत बात मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ तक आपका सवाल है, आपके मुँह पे शिखन दिखती है दो मिनट में, जब भी आप पर अटैक होता है कुछ होता है आधे सेकंड में लग जाती है। बाई कॉन्ट्रास्ट अगर आप हेमा जी को देखें, शी bears the pressure much better. I think she keeps smiling. I think ladies are more strong. Ladies, वो मैं मेरे ऊपर होती हैं बातें, आती हैं बहुत सी, ये नहीं वो नहीं, आते नहीं, अब वहाँ जाके काम नहीं होते। मैंने हर जगह अपने ऐसे ऐसे लोग रख छोड़े हैं जो वहाँ की रग रग से वाकिफ हैं, जहाँ एक कोड़ा फिंसी भी वो भी मुझे बताते हैं, उसका इलाज भी बताते हैं, और मैं उसको करता हूँ। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस ऑफिस में इनसे मिलने जाता हूँ, तो मेरा काम फौरन कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, अभी राठौर जी से मिला तो ट्रेन रेलवेज की कई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। वहाँ पे एक बीकानेर में सूर सागर एक जगह है जो रीढ़ का पे फोड़ा है उस शहर की, जितने एमपी आए 50 साल से कि हम करेंगे साहब, हम वादा करके, और एक है दूसरा रंगमंच, तो ये सबने मुझे कहा ये हो जाएगा, मैंने कहा होगा, 75% काम हो गया है सूर सागर का, और इसको ठीक करने के लिए साहब रुड़की से इन्होंने पता चला कि ये गिर जाएगा रंगमंच जी, तो मैंने कहा इसका क्या करें फिर? बोले जी रुड़की से सिविल इंजीनियर बुलाए हैं, वो आएंगे, वो आया है 6 महीने उन्होंने लगा दिए। तो मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने अपनी अप्रोच लड़ाई, उनको रिक्वेस्ट की प्लीज़ आइए देखिए इसमें क्या तकलीफ क्या है। अब वो देख के गए हैं, अब इसमें कौन सा गिराना पड़ेगा, किसका कौन सा हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको बना के छोड़ूंगा विद इन माई टू अनदर 2 years। आई एम इन हरी नाउ एज सून एज कैन गेट इट डन। ये उनके लिए नहीं कर रहा कि मुझे शाबाश मिले, ये मेरी भारत माँ का एक अंग है जिसको बीकानेर कहते हैं, मैं उसकी सेवा करके रहूँगा जितनी मुझसे होगी। क्या बात है, आई डोंट वांट एनी, उसके लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है, आई एम डूइंग इट। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। धर्म जी, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ? जी, जहाँ तक आपकी लाइफ का सवाल है, अलग अलग जो इन्फ्लुएंसेस आई आपकी लाइफ में उसके बारे में बताएं। एक तो अर्जुन हिंगोरानी आपके दोस्त हो गए, उसके अलावा बिमलदा की आपने बात करी, बिमलदा एंड दिलीप कुमार वाज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, रेस्ट मेनी पीपल हैव कम अक्रॉस जिनसे सीखा है। और मैं हर इंसान से कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो मिले सीख लेता हूँ।
तो हमारी इस इंडस्ट्री में तुलना बहुत होती है, ये वो बड़ा है, ये छोटा है, ये पता नहीं, रेड रेस बहुत चल रही है। मैं उन दिनों में रेड रेस में भी दाखिल नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं था कि नंबर वन बन के क्या मिलेगा मुझे, और इसीलिए मैं अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सका। जो मिला, जो मिल गया, मुकद्दर समझ लिया बस। नहीं, लोग तो इसमें अब सोचता हूँ कर लेता, फिर सोचता हूँ उतना कर ना भी कर, पैसा आ भी जाता तो क्या होता, चैन सुख शांति चाहिए पहले। तो उसके लिए भी मैंने एक लिखा कि तुलना खुद की किसी से कैसे करूँ, किससे हूँ छोटा किससे बड़ा कैसे करूँ, तुलना खुद की खुद से कर लेता हूँ, अच्छाई को बुराई से तकसीम कर लेता हूँ, अच्छाई को बुराई से तकसीम कर लेता, हासिल फिर हो जाए समझ मुकद्दर, रुकती चलती जिंदगी की तंजीम कर लेता। क्या बात, वाह, मैं तो आई बिलीव इन दैट। लेकिन मुझे मालूम है जो नहीं चाहता उस दिल के किसी कोने में भी रहता हूँ, सब प्यार करते हैं मुझे, और प्यार में भैर में लूट लेता हूँ, मैं लुटेरा हूँ। और ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। और आपके बारे में ये भी कहा गया कि आपने तकरीबन हर हीरोइन के साथ काम किया, और उसके बाद वक्त तो ये आ गया कि सनी की जो हीरोइंस थी वो आपकी भी हीरोइंस थी। हाँ, कुछ ऐसा भी हो, अमृता सिंह के साथ भी, तो अमृता सिंह के साथ आपने काम किया, श्रीदेवी जी के साथ आपने काम किया, डिम्पल के साथ आपने काम किया, अनिता राज के साथ आपने काम किया, आपको बहुत मालूम आता है, क्या बात है। वो तो मैं एक दिन फिल्म फेयर के फंक्शन में बोला था, मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था और बोला था इससे लेके उसके साथ भी काम करूँगा। शाहरुख खड़ा था, ही इज लाइक जस्ट सन टू मी, मैंने कहा इनकी हीरोइनों के साथ भी काम करूँगा। तो एक यू सी, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड आपको कभी नहीं मिला, फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको, जैसे ऑस्कर्स ने रिचर्ड बर्टन को कभी ऑस्कर नहीं दिया, पीटर ओटूल को कभी ऑस्कर नहीं दिया, जी पीटर ओटूल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, रिचर्ड बर्टन को तो वो भी नहीं दिया, फिल्म फेयर अवार्ड ने आपका रिचर्ड बर्टन क्यों बनाया ये बताइए। अब इसको ना ही छेड़ा है तो बेहतर है। मुझे एक्चुअली मैंने कहा ना कि इसको महबूबा समझा है, फिल्मी दुनिया को, फिल्मी जन्नत को, इसको मैंने प्रोफेशन नहीं समझा। अगर प्रोफेशन समझा होता तो आई वुड हैव लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, देर आर मैनी ट्रिक्स इन दिस ट्रेड, इन एवरी लाइक अदर ट्रेड्स, तो वो ट्रिक्स खेलना आते नहीं। अगर वो ट्रिक्स खेलता तो मैं किसी को बाजी नहीं लेने देता, या मेरा शेल्फ भरा होता, ट्रॉफी ही ट्रॉफी होती, और ट्रॉफी में मुझे डराती कि क्या करेंगे मुझे और कितनी डुलोगे, कुछ और अपनी आत्मा को भी कुछ सुकून पहुंचाओ, ट्रॉफी से सब कुछ नहीं है, मोहब्बत जीतो, मोहब्बत लोगों का प्यार मिले तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा जो आपने कहा कि ट्रेंड चेंज हो गया वगैरह, और आपने एक और चीज़ कही, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस वक्त जब आप हीरो थे, नए नए जब हीरो बनकर गया, हीरो तो आप हमेशा ही रहेंगे, लेकिन उस वक्त स्लाइटली ओल्डर जनरेशन के जितने भी लोग थे उनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखे जाते थे, भले वो एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। वक्त बदला है, इट्स रियली ग्रेट चेंज। अभी ऐसी ऐसी कहानियां आने लगी हैं, और मैं अभी ये जो रोल कर रहा हूँ फादर का, इट्स ए वेरी ब्यूटिफुली कंसेप्ट रोल, आई थिंक इट्स गुड। एंड एक अमिताभ हैं, उन्होंने आके ये जो सिलसिला शुरू किया, आई थिंक ही हैज ओपन द गेट्स फॉर एवरीबडी। हाँ, उसने ये जो रोल कंसीव होने लगे उनके लिए, तो इस तरह से अभी जिसमें दूसरे एक्टर में जिसमें भी दम होगा वो आ जाएगा। और अगर अमिताभ जी की बात करिए, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, छोटे भाई हैं हमारे, और मतलब राम बलराम में, शोले में साथ में थे जी, चुपके चुपके में that I think was apart from शोले, that was I think the best pairing that there ever was, चुपके चुपके और शोले। अभी भी मुलाकात होती
अमित जी से कभी ना कभी? बहुत व्यस्त हो गए, बहुत बिजी रहते हैं। आई थिंक ही इज बिजियर नाउ देन ही वाज एट दैट टाइम। मैंने तो वो जब बीमार पड़े थे मैंने कहा कर्मयोगी है, कर्मयोगी को तो मालिक हमेशा साथ देता है, तो ही विल बी आउट सून। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक कंप्लेंट है साहब आपसे हमारी, वो मेरी व्यक्तिगत कंप्लेंट है, ये काम को लेकर के नहीं है जी, ये काम को लेकर के नहीं है, मतलब काम को लेकर के नहीं है, क्या अपनी काम नहीं कर रहे। मेरी कंप्लेंट ये है कि योर डॉटर इज ऑल्सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेज एट द मोमेंट, लेकिन ज्यादातर आप उसके बारे में बात नहीं करते, क्यों? मैं I'm from such a soil, I'm my जिस मेरे लिए मेरे बाप भी मेरे हक में नहीं देंगे फिल्मों में जाऊं। अब ये एक ऐसा आपने जो सवाल किया है, मेरी एक ऐसी दुखती रग को छेड़ दिया है, कहूँ तो दर्द बढ़ेगा, ना कहूँ तो दर्द बढ़ेगा। आपने अपना व्यक्तिगत एक सवाल मुझसे पूछा है, आई डोंट नो योर फादर और नॉट, फादर बन के सोचिए बस, इससे आगे कुछ नहीं। I think that just about says it all, and I think that just about says everything you needed to know about the character of this man right up here. No wonder everybody loves him. I don't think I need to say more. Thank you so sweet. I am really happy to talk to you. This is, I think, I'm most happy today talking to you, Rajiv. Thank you so much, sir. Thank you so much. And Hingrani sahab, President sahab ne aapki kitab padhi. एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आपकी किताब पढ़ी, हेमा जी ने आपकी किताब पढ़ी, धर्म साहब ने आपकी किताब पढ़ी, बताइए इनको तो पढ़ाई होगी आपने, भले पढ़ना चाहते हो या ना चाहते हो, जबरदस्ती आपने जबरदस्ती पढ़ाई होगी उनको, मगर प्लान साहब ने पढ़ी, कैबिनेट मिनिस्टर मुरली देवरा ने पढ़ी, उसके बेटे ने पढ़ी, दे हैव ऑल प्रेस्ड इट इन वेरी हाई टर्म्स। दैट्स राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ योर बुक, यू नो, हाउ टू बी हैप्पी एंड रियलाइज योर ड्रीम्स? How do we happy realize your dream? मतलब क्या? मतलब how do you grow up to be Dharmender? Is that what you're trying to say? Okay. What I say is, see, everybody has his own merits, his own likings, his own dreams. Dharmender wanted to become a hero. Even I wanted to become a hero. But did, yet yes. I hadn't got that personality, that merit. Ashok Kumar told me, you go for direction. But I had the guts to be there. It was so not when easy. Is your next film coming out? My next film? Yes. See, last film, I lost 2.5 crores. And I wanted my son to be a hero. And my son is not interested. So what can I do? See, now I have only one dream. I want this book to be on the shelf of every home throughout the world. Yeah, not India. Because I feel this book is written by some divine power. ये मेरे भाई ने दिल से लिखी है, इसकी आत्मा की आवाज़ है, मैंने भी पढ़ी है। आई थिंक इफ एवरीबॉडी दे गो थ्रू इट एंड रीड इट, दे विल फील इट इज अबाउट देम आल्सो। और इस किताब के लिए मैं भी लिखता हूँ ना, आप लिख, मैं बोले बगैर रह नहीं सकता। दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, मोहब्बत फकत मोहब्बत मज़हबे बशर हो जाए, दिले जहाँ से मिट जाएं सरहदों की खराशें, ये कश्मीर, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये ईरान, दिले जहाँ से मिट जाएं सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक मेरे सारा जहाँ हो जाए, हर वतन का मालिक मेरे सारा जहाँ हो जाए। अगर सब ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए साहब, क्या बात, क्या बात, लड़ाई झगड़े फसाद दंगे सब खत्म हो जाए। इसके लिए भी कुछ ऐसा ही है, इसके लिए देयर इज अ चैप्टर, Let us unite for a better world. Right. ये मैंने स्वामी रामदेव से भी बात की थी। This is a moment which only great people can. How to be happy and realize your dreams? That's the name of the book. The book is written by Arjun Hingrani. On the shelves now. And do remember, go out and buy it. By the way, I have read the book. I really have read the book. Right, gentlemen. Thank you very much. It's been a great pleasure talking to both of you. But before we go, one last question. To you, Dharmender Sahab.
आखिरी सवाल आई प्रॉमिस आखिरी सवाल आपके साथ तो मजा आ रहा है बात करने। ये आपसे मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपसे सवाल पहले पूछा था उसका जरा मतलब जरा शायद मैं आपको कन्वे नहीं कर पाया। जी जी मेरा ये कहना है कि एज एन एक्टर जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी जी 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 क्रिटिक्स से हर जगह से जी 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 वो क्या आपको मिली? मुझे नहीं मिली, रियली नहीं मिली और मैं इस बात के लिए दुखी भी हूँ। लेकिन आज हर क्रिटिक से हर उस इंसान से जो कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ा हुआ है मैं हम्बली बात कहता हूँ अगर उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है तो वो दिल खोल के इस बात को कहें, उसको रोक के ना रखें। एंड आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग एज एन एक्टर आई नीड देम ए लॉट। आई डोंट नो हाउ टू परस्यू देम फॉर मी, आई डोंट नो हाउ टू टेल देम प्लीज स्पीक समथिंग अबाउट मी, वॉट एवर इज इन देयर हार्ट, बैड गुड वॉट एवर इट इज, आई डोंट से वॉट एवर दे फील अबाउट मी दे शुड, उसमें कुछ वो ऐसे थोड़ी कंजूसी ना रखें। बिकॉज एक चीज़ मैं मीडिया को इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ, मीडिया मेरे लिए भगवान का एक हाथ बन के मुझे सानेवाल से बॉम्बे लाया है। वाह, मीडिया मेरी उंगली पकड़ के मुझे यहाँ लाया है और मीडिया का ही फर्ज बनता है इस वक्त उंगली पकड़ कर यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले चले। क्या बात, क्या बात, अगर मोहब्बत इतनी है तो आगे भी ले चले। क्योंकि भगवान ने उनको कहा कि धर्मेंद्र की उंगली पकड़ कर लाओ, भगवान उनसे ये भी कह रहा होगा जिस इंसान को आप उंगली पकड़ के यहाँ लाए हैं आगे भी ले चलो यार, मैंने किसी का बुरा नहीं करता। आई लव एवरीबॉडी, लव इज माई रिलीजन एंड अबव ऑल एज़ फार एज़ योर परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न्ड। कल जब हम बैठे थे यहाँ पे जब आपसे बात कर रहे थे जेम्स डीन की बात आई, जी जी जी, मार्लन ब्रांडो की बात आई, आज रिचर्ड बर्टन की बात आई है, शॉन कॉनरी की बात है, आपकी परफॉर्मेंसेस अगर देखा जाए दे आर अक्रॉस द रेंज। आई मीन जेम्स डीन इज कंसिडर्ड एन आइकॉन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही मेड जस्ट थ्री फिल्म्स, तीन फिल्में बनाई जेम्स डीन ने और उसका पोस्टर काट के आपने अपने कमरे में लगाया है जहाँ पर भी जहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ उस जगह पे जाके आया जी। जिसमें मंदिर मस्जिद में ना जाऊँ लेकिन मैं इनको ही सब कुछ मैं वहाँ जाके उसका श्रद्धा। विक्टर मैच्योर की भी आपने पिक्चरें देखी जैसे आपने कहा सैमसन एंड डिलाइला की आपने बात करी। पंजाब में फिल्म आती नहीं थी, संडे को देखते थे बस, आती थी 12 बजे का शो तो सैमसन डिलाइला लगी थी संत जलंधर में, वहाँ देखी तो उसको देख के लगा यार बॉडी बनाई जाए। ऐसी हेडी लमार भी पसंद आई होगी फिर उसकी तो पूरी किताब लाई, उसको पढ़ा मैंने उसकी सारी जिंदगी को, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर जब मैंने कोई देखा नहीं किसी को। Absolutely beautiful woman. Very, very pretty, very pretty lady. That's right. और वो हम बनाने लगे थे पिक्चर उसके पूरा मुहूर्त की तैयारी होगी सैमसन डेलर मैं और हेमा और O.P. Dhillon was going to direct it and written by Kamal Amrohi. Uska chariot ban gaya tha but unfortunately it never took off. So, phir maine socha kabhi Bobby ke saath banaunga. Abhi dekhte hain, abhi show business is a great, great right. place. That's right. Who are the other actors that you really like? Very quickly, in as far as Hollywood is concerned. आज के दौर के एक्चुअली पर्सनैलिटी वाइज तो देखा जाए जो 50-60 के थे ऑल दे वर रियली ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेगरी पेक, पीपल लाइक दैट, क्लार्क गैबल, क्लार्क गैबल, कैरी ग्रांट, कैरी ग्रांट, सब उनकी पोस्टर। आज के लड़कों ने जैसे एल पिचिनो या ये सब जो हैं, डस्टिन हॉफमैन, दे हैव प्रूव्ड हैंडसम इज दैट हु डज हैंडसम। That's right. Handsome is he as handsome does. That's right. Handsome absolutely. Does look at Al Pacino. Look at. I say when those handsome used to do handsome, they were Gregory Peck, they were Cary Grant, they were William Holden. Kya baat hai? Were so many. You did you ever get to meet William Holden? Kabhi William Holden se mile? Nahi, main unse nahi, main mil nahi paya. But you saw Bridge on the River Kwai? Yeah, I saw Bridge on the River. That had William Holden and David Lean की picture थी। Great, fantastic sir। और हिंदुस्तान में जो hero हैं आज की तारीख में, आपके भी साथ जिन्होंने काम किया और अभी भी काम किया, very quickly, who are your favourites? Who are your favourites?
आज के सभी यू सी दे आर ऑल लाइक माय सन्स टू बी फ्रैंक आई कांट मैं एक आंख खूबसूरत है दूसरी नहीं मैं नहीं कह सकता एंड आई जनरली फील फॉर देम यू सी दिलीप साहब जैसे बड़ा एक्टर तो मेरे लिए दुनिया में नहीं कोई साहब सीधी बात है देयर इज नोबडी आई अडोर हिम आई डोंट नो फ्रॉम माय हार्ट आर्टिस्ट क्या क्वेश्चन था आपका आज के जैसे दिलीप साहब हो गए देव साहब हो गए देव साहब ये तो आपके राजजी थे राजकपूर थे त्रिदेव कहते थे उनको तो और राज जी के साथ भी आपने काम किया राज जी के साथ भी काम किया मेरा नाम जोकर मैं था करो यू एंड मनोज कुमार यूज्ड टू हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप वी वर गुड फ्रेंड्स देयर बिगनिंग में वो तो एक दो साल सीनियर थे हमारी वो चलती रहती थी नोक झोंक बट ही इज आल्सो डार्लिंग फ्रेंड ऑफ माइन शशि कपूर देव साहब यू सी मैं सबके लिए गुड विश करता था लेकिन शशि कपूर और देव साहब की जब फिल्म रिलीज होने वाली होती थी उससे पहले मैं प्रेयर करता था कि भगवान इनकी फिल्में चला दे उनकी फिल्में चलती नहीं थी तो मुझे बहुत दुख होता था देव साहब की और आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू प्रे फॉर देम आई प्रे फॉर एवरीबॉडी बट आई फॉर देम आई स्पेशली यूज्ड टू प्रे फॉर शशि की फिल्म चलनी चाहिए देव साहब की फिल्म चलनी अमंग द गर्ल्स हु आर द गर्ल्स दैट यू रियली लाइक्ड ऑल ऑफ देम All right, let's hear a few favorites, right from the beginning till now. Meena Kumari ji, Meena Kumari was definitely that was the first, and you were the only person who was there for her, right? Meena ji was a great. And we promise we'll get him to talk about that at some point of time. Not right now, some point. Great actress. Hopefully he will talk. Nice, great actress. And a very nice human being. Very good person. Very nice. Sabi, all are good. You must be having a few favorites. A few favorites. मेरे ख्याल से शुरू में जब मैं नया नया था, I was actually very shy person. तो थोड़ा शर्मा जाता था बहुत. ये कहा जाता है कि पहली बार किसने आपको हाथ मिलाया तो आपके कान लाल हो गए. बिल्कुल सही है. पड़ गया है बहुत सी चीजें एनीवे दिस इज देयर ब्यूटीफुल मोमेंट्स आई हैव गॉन थ्रू अभी उनको याद करता हूँ कुरेदता हूँ लेकिन वो सब ऐसा वक्त की उसके नीचे दबती चली जाती हैं Thank you very much. It's been a great pleasure talking to both of you. And let me tell you, it's been a great honor meeting the both of you right here. And you've been friends now for the last 50 years. And that, I think, is a great thing. We wish you great health. All to all of you, all the whole the team. Darling. I wish you all a great love, my dear friends. Love you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Right, that's all we've got for you in tonight's show from Paramjit's house. We'll be back, of course, from some other place tomorrow. Tab tak ke liye namaskar.